पंचवन के मणिकुंड में विष प्रभावित पिता की आज्ञा मानते हुए हनुमान केसरी के हाथों गरल पान करते हैं, किंतु स्वयं को नियंत्रित कर वे पुनः पंचवन से युद्ध भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर पंचवन द्वारा नियंत्रित उसके दास अब सुमेरु भवन के द्वार तक आ पहुँचते हैं और इधर हनुमान पंचवन की समस्त शक्तियों को नष्ट कर उसे क्षमा करते हुए नाग मेखला रूप धारण करते हैं। किंतु इसी मध्य पिताश्री, कोई तो उपचार होगा इनका। उपाय तो है किंतु ना होने के समान। अब आगे निर्बल लग रहे हैं, जैसे इनकी देह शक्तिहीन हो गई हो। हनुमान और महाराज ना जाने कहां हैं, क्या हुआ होगा उनके साथ। इस विष का एक उपाय है हनुमान, ये उपाय है प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप? किंतु वहां जाकर लौटना तो असंभव है। लौटना क्या, वहां तो जाना ही बहुत दुर्गम है। सत्य कहा तुमने पंचवन, किंतु निष्पाप बालक ब्रह्मचारी व त्रिदेव ही वहां जा सकते हैं। तब तो मैं अवश्य जाऊंगा वहां। कहाँ स्थित है प्रवालद्वीप? यहाँ से दक्षिण पूर्व में 100 योजन की दूरी पर स्थित प्रवालद्वीप, जहाँ पर लाल रंग का विषैली करणीय पुष्प पाया जाता है, उसी से इन सब का उपचार हो सकता है। किंतु इसमें तो अधिक समय लग जाएगा, जबकि सूर्यास्त होने से पहले यदि इन सब का उपचार नहीं हुआ तो इनमें से किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। प्रवाल द्वीप की रक्षा एक ब्रह्म राक्षस करता है, वहां जाकर कोई वापस नहीं लौटा है। मेरे लिए एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। अभी वहां जाता हूँ, आज्ञा दें गुरुदेव। जाओ वत्स, वहां से चमत्कारी पुष्प लेकर आओ। पुत्र हनुमान, सावधानी और धैर्य से कार्य लेना। पुत्र हनुमान, हनुमान आप अपना ध्यान रखना, इन सब पे तो मेरे पुत्र ने मात्र अपने विष का छिड़काव ही किया है, पर आपने तो विष का पान किया है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप दोनों इन गांव वालों का ध्यान रखिए, मैं अभी प्रवाल द्वीप से होकर आता हूँ। प्रणाम। हनुमान, महाराज केसरी और सबको लेकर मैं सुमेरु जाता हूँ, वहीं इनकी उचित देखभाल हो पाएगी।
पिताश्री। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे पुत्र। हनुमान, सूर्यास्त से पहले ही लौट आना, अन्यथा इनके प्राण बचाना असंभव हो जाएगा। अब इन सबका जीवन तुम्हारे हाथों में है। अवश्य। संपत्ति और विपत्ति दोनों ही नश्वर हैं, स्वप्न के समान क्षणिक, किंतु दोनों ही कर्म के अधीन है। जिस प्रकार उचित दिशा में कर्म करने से संपत्ति के सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार उचित दिशा में प्रयास करने से विपत्ति के दुख को भी दूर किया जा सकता है। हनुमान के समक्ष तो महाविपत्ति मुंह बाय खड़ी थी, किंतु हनुमान बिना शिथिल हुए अपने कर्म पथ पर निकल पड़े थे, क्योंकि कर्म से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और जो अपने कर्म को छोड़कर आलस्य का आवरण ओढ़कर निष्क्रिय पड़ा रहता है, वो अपने अनमोल जीवन को नष्ट तो करता ही है, दुर्गति को भी प्राप्त होता है। प्रतीत होता है कि विष के अंश मात्र का प्रभाव मेरे भीतर भी हुआ है। हनुमान, ये हनुमान को क्या हो गया? यहां से निकला भी, किंतु मुझसे मिलना तो दूर, इस और देखा तक नहीं। अवश्य ही कुछ अनहोनी हुई है। सुमेरु, सुमेरु में अवश्य ही कुछ हुआ है। अब तक तो सुमेरु का विनाश हो चुका होगा। आप यहाँ हंस रहे हैं मायासुर जी? वहाँ हनुमान पंचहन को परास्त करके उसे अपना मित्र बना लिया है, और अब उन सबको विष से मुक्ति दिलाने के लिए प्रबाल द्वीप जा रहा है। मायासुर, रोकना होगा उसे। जाइए और उसे रोकिए, ताकि वो विशल्य करनी पुष्प लेकर ना लौट सके। और यदि सूर्यास्त होने से पहले हनुमान को रोक लिया तो समस्त सुमेरु वासी और महाराज केसरी सब के सब मारे जाएंगे, और वो वानर बालक पूरी तरह से टूट जाएगा। बल बला बल बल, जाइए जाइए, रोकिए उसे। स्वामी, ये क्या हो गया है आपको? आप तो सुमेरु वासी नहीं है, कौन है आप? प्रणाम महारानी जी, मैं पंचफन हूं। पंचफन? वही मायावी नाग जिसके कारण सब विषाक्त हुए हैं,
किंतु अब मुझे अपने भूल का आभास हो चुका है। आप सब भयभीत मत होइए, ये सब शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। युवराज हनुमान प्रवालद्वीप गए हैं चमत्कारी विशल्यकरणी पुष्प लाने। वो समय रहते पुष्प ले आए तो ये सब स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी जी, मैं अपने किए पर लज्जित हूं। आशा है हनुमान समय रहते ही पुष्प ले आएंगे। हे प्रभु, हनुमान शीघ्र ही विशल्यकरणी पुष्प लेकर लौट आए, कृपा करना भोलेनाथ। अब क्या करूं, किस ओर जाऊं? प्रवाल द्वीप ये है या वो? दोनों द्वीप तो एक ही समान दिख रहे हैं, किंतु अब कैसे ज्ञात होगा कि कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? क्या करूं, किससे पूछूं अब मैं? युवराज हनुमान, प्रणाम। आप यहाँ? आपके पिता महाराज केसरी कैसे हैं? पिताश्री अस्वस्थ हैं और उनके उपचार के लिए मुझे प्रवाल द्वीप से विशल्यकरणी पुष्प लाना है, किंतु मुझे ज्ञात ही नहीं कि प्रवाल द्वीप कहाँ है। वो द्वीप देख रहे हैं आप? वो द्वीप ही प्रवाल द्वीप है। धन्यवाद, प्रणाम। हमने तुम्हें उस मार्ग पर भेजा है जहां तुम्हें विशल्यकरणी पुष्प नहीं मृत्यु मिलेगी, भयानक मृत्यु। अभी भी असामान्य अवस्था में है महाराज। महाराज की दशा बिगड़ती जा रही है। उस भयानक विष के आगे हमारी कोई भी औषधि कार्य नहीं कर रही महारानी जी। अचानक कहां पाएगा हनुमान विशल्यकरणी पुष्प लेकर? धीरज रखिए महारानी माँ, हनुमान आता ही होगा। हनुमान, हनुमान। देवगुरु बृहस्पति ने तो प्रवाल द्वीप भी बताया था कि यहीं पर ही विशल्यकरणी पुष्प मिलेगा, किंतु मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि विशल्यकरणी पुष्प कहाँ है। हनुमान, तुम प्रवाल द्वीप में ही हो ना? कोई और द्वीप में तो नहीं आ गए?
हनुमान, सूर्यास्त से पहले ही आ जाना, अन्यथा इनके प्राण बचाना असंभव हो जाएगा। समय तो बहुत ही कम है मेरे पास, सूर्यास्त होने में कुछ ही पहर शेष है। सूर्यास्त से पहले मैं ढूंढ ही लूंगा विषैले करनी पुष्प। मुझे अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ करनी होगी। कहाँ है ये लाल रंग का विषैले करणी पुष्प? ये भी लाल रंग के ही है। विषैले करनी पुष्प भी वहीं पर ही होंगे। ये तो वो पुष्प नहीं है जो देवगुरु ने बताए थे। महाराज अब नेत्र बंद मत करिए, आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते। तेज श्वास लीजिए। हाँ महाराज, आप साहस मत छोड़िए। महाराज पर विष का बहुत प्रभाव है, मुझे कोई आशा नहीं लग रही है। कहीं सुमेरु के लिए अमावस्या ना बन जाए आज की ये पूर्णिमा। राजवैद्य जी, आपका ऐसा कहना अनुचित है। वैद्य को अंतिम श्वास तक जीवन की आशा को नहीं त्यागना चाहिए। हनुमान आता ही होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर महाराज की बिगड़ती दशा, उधर हनुमान न जाने कहां उलझा होगा। और उस परिंद्रदेव का बुलावा। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। हे भगवान, मुझे शक्ति और शांति प्रदान कीजिए। मेरा हनुमान आएगा, पिता और सबके लिए वो पुष्प लेकर आएगा। मुझे विश्वास है, मैं जाते जाते उसे अंतिम बार देखूंगी। मेरे पुत्र और सकुशल पति परमेश्वर को अंतिम बार। कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? ये कैसी ध्वनि है? ए, कौन है तू? जलदैत्यों के मुखिया जलासुर के क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गया तू? जलासुर? जलदैत्यों के मुखिया? मेरे प्रिय महाबली जलदैत्यों, बाहर आओ। yeah!
ये देखो ये बालक छोटा सा कोमल देह वाला क्यों इस प्रकार घेर रहे हैं मुझे? क्या चाहते हैं आप सब? हम तुझे चाहते हैं, तुझे खाने में आनंद आएगा। ले चलते इसे। परिश्रम कर रहे हैं आप सब? सूर्यास्त होने में और ये सब मेरा मार्ग रोक रहे हैं। पंचवन के मणिकुंड में विष प्रभावित पिता की आज्ञा मानते हुए हनुमान केसरी के हाथों गरल पान करते हैं, किंतु स्वयं को नियंत्रित कर वे पुनः पंचवन से युद्ध भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर पंचवन द्वारा नियंत्रित उसके दास अब सुमेरु भवन के द्वार तक आ पहुंचते हैं और इधर हनुमान पंचवन की समस्त शक्तियों को नष्ट कर उसे क्षमा करते हुए नाग मेखला रूप धारण करते हैं। किंतु इसी मध्य पिताश्री, कोई तो उपचार होगा इनका। उपाय तो है किंतु ना होने के समान। अब आगे लग रहे हैं, जैसे इनके देह
इनकी देह शक्तिहीन हो गई। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।